जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आईडिया क्लासेस जयपुर। आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये बच्चे हैं जो कि इंडियन नेवी SSR और MR का फेज टू के लिए हैं और आज है सैटरडे, 1600 मीटर का टाइमिंग है, टेस्ट है। तो सभी तैयार हो? जोश नहीं है, सभी फिट हो? तैयार हो? हर्ष द जोश, जोश नहीं है, हर्ष द जोश। ओके, तो आप देख सकते हो ये उतावले हो रहे हैं 1600 मीटर रनिंग के लिए और साथ ही यहाँ पर नेवी एसएसआर के अंदर सबसे पहले फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर 1600 मीटर का रनिंग होगी जिसके अंदर 6.5 मिनट टाइमिंग होगा, उसके साथ में इनका डिप्स होगा, 10 डिप्स होंगे और पूरा फिजिकल होगा, यहाँ पर टेस्ट होगा। और इसी के साथ में आपको बता दें कि नेवी एसएसआर का बहुत ही जल्दी अगली डेट्स आ चुकी है, किसी की 5 है, किसी की 3 है, किसी की 6 है, मुश्किल से हार्डली 15 से 20 दिन मिले हैं। 15 से 20 दिन में अगर आप चाहते हो तैयारी करना तो आप आ सकते हो यहाँ पर एक बेहतरीन शानदार सिलेक्शन के लिए। और इसी के साथ में नेवी एसएसआर में सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद रिटर्न होगा। रिटर्न के अंदर कंपलसरी है आपके 60% नंबर लाना, वहीं पे इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और उसके बाद मेडिकल होगा, तो मेडिकल भी आपका यहाँ प्रॉपरली होगा, तैयारी करवाई जाएगी, चेक किया जाएगा, अगर आपके कोई पॉइंट्स है तो उनको पहले से ही कैसे क्लियर करना है वो बताया जाएगा। तो अगर आप SSR या MR के अंदर सिलेक्शन चाहते हैं, फेज टू की तैयारी करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके चले आइए। तो तैयार हो? खड़े हो जाओ। एक 17 एक 24 नाम शाबाश, एक 27 सेकंड राउंड स्टार्ट, एक 42 सेकंड राउंड स्टार्ट, 2 54 थर्ड राउंड स्टार्ट, 2 58 3 मिनट, 3 5 शाबाश। 1600 मीटर का टाइमिंग देखा था और अभी नेक्स्ट ये है बिगिनर और अभी स्टार्टिंग टाइम है इनका, तो आज पहला ही टाइम है। आपने 1600 मीटर रनिंग देखी है, अभी है स्कोर्स, 20 स्कोर्स होंगे। स्कोर्स आपको प्रॉपरली आप देख सकते हो कैसे करना है, आपको वहां पर इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, आपको इस तरह से भी हाथ रख सकते हो, इस तरह से भी रख सकते हो। साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, इस तरह से अपने शोल्डर के बराबर पांव को खोलना है और इसके साथ में आपको जैसे एक तो होता है उठक बैठक, उठक बैठक में क्या होता है ये पांव आगे की तरफ जाते हैं, लेकिन स्कोर्ट्स में क्या होता है जैसे हम चेयर एक चेयर पे बैठते हैं तो चेयर पे ऐसे कैसे ही बैठ जाते हैं, तो स्कोर्ट्स में हमारे को उसी तरीके से करना है। और 20 स्कोर्ट्स करने हैं तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है और यहाँ से ये इस पोजिशन में आना है और फिर वापस जाना है, फिर ये ठीक है इस तरह से। तो सभी तैयार हो? 20 स्कोर्ट्स लगाने हैं आपको। ओके, मेरी काउंटिंग के साथ चलना है, मैं बोलूंगा रेडी अप, फिर मैं बोलूंगा डाउन, एक पे अप होना है और फिर डाउन पे दो, ठीक है? ओके रेडी, तैयार हो? ओके रेडी, डाउन अप, दो अप, तीन अप, चार अप, पांच अप, छह अप, सात अप, आठ अप, नौ अप, दस अप, 11 अप, 12 अप, 13 अप, 14 अप, 15 अप, 16 अप, 17 अप, 18 अप, 19 अप, 20
बहुत बढ़िया, शाबाश। तो एक टेस्ट हो गया है आपका, दो टेस्ट कवर हो गए हैं, एक 1600 मीटर और एक है 20 स्कोर्स। अभी होगा सिटअप, वो है फीमेल कैंडिडेट के लिए, और वहीं है डिप्स, पुशअप है 10, वो है मेल कैंडिडेट के लिए। तो अभी पुशअप के लिए तैयार हो जाइए। पुशअप आपको प्रॉपरली किस तरह से करना देख लेना एक बार। पुशअप के अंदर आपका जो पोजीशन है, पोस्चर है, वो इस तरह से प्रॉपरली होगा, और जैसे बोलते हैं अप, उसके बाद डाउन, डाउन के अंदर कुछ देर रुकना है, जैसे 3 सेकंड या 4 सेकंड, जैसे मेरी काउंटिंग के साथ ही चलना है। तो अभी आप देख सकते हो पोजीशन बनाने के लिए आपको इस तरह से, ये पोजीशन है इस तरह से, ये पोजीशन रहेगा, सामने की तरफ देखना है, और यहां इस तरह से बोला डाउन, तो ये डाउन, 1 2 3 अप, डाउन अप, डाउन अप, इस तरह से आपको ये इस पोस्चर में आना है, और प्रॉपर बॉडी का जो लेवल है वो इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। तो तैयार हो? ओके, डाउन, ओके। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये नहीं है, आप लोग बैठ जाओ, पोजीशन सही बनाओ, पोजीशन बनाओ, पोजीशन ये नीचे करो, इसको हाँ ऐसे, ये ओके, सामने देखो, सामने देखो, ओके तैयार हो, 10 लगाने हैं आपको, रेडी डाउन, नजर सामने, अप, 2, मेरी काउंटिंग के साथ चलना है, डाउन, नो, अप, ये पूरा ऊपर कुबड़ की तरह हो गया, सीधे रखो, अप, और लास्ट है डाउन, अप, गुड, शाबाश, बैठ जाओ, मुट्ठी खोलो, बंद करो, मुट्ठी खोलो, बंद करो, शाबाश शाबाश, देख लो 10 नहीं लगा पाए, खराब हो गई। ओके, तो ये थे 3 टेस्ट जो फिजिकल के हैं। उसी के अंदर अगर हम हाइट की बात करें, हाइट मेजरमेंट की बात करें, तो 157 मेल कैंडिडेट के लिए, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 है। जो फीमेल कैंडिडेट्स है, आपको बताते हैं कि आर्मी के अंदर, वोमेन मिलिट्री पुलिस के अंदर 152 सेंटीमीटर था पहले, जिसे बढ़ाकर 162 कर दिया है। तो बहुत सारी ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो कि आर्मी की वर्दी का जुनून है, लेकिन हाइट की वजह से नहीं जा सकती हैं, तो वो इधर शिफ्ट हो सकती है, यहां देख सकती हैं, नेवी एसएसआर और एमआर का फॉर्म भर सकती है, 152 चाहिए। वहीं पे अगर कोई बच्चा है जो कि हाइट की वजह से आर्मी का फॉर्म नहीं भर सकता है, तो वो यहां इस तरफ अगर एसएसआर और एमआर का भर सकता है, जिसमें 157 ही चाहिए। तो ये थे अभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है सिटअप। तो तैयार हो सिटअप के लिए? ओके, कहाँ है वो, बिछा लो उसको। ओके, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सिटअप है, तो तैयार हो? ओके, पांव पांव फोल्ड करके सिटअप लगानी है, और आप पीछे कर लो हाथ ऐसे पीछे, ठीक है, और आगे टच करना है आपको, 10 लगानी है, ठीक है। ओके, तैयार हो, रेडी, अप, डाउन, 2, डाउन, 3, डाउन, 4, डाउन, 5, डाउन, 6, डाउन, 7, डाउन, 8, डाउन, 9, डाउन, 10, डाउन, गुड, शाबाश शाबाश।
तो आपने देखा ये था नेवी एसएसआर और एमआर के लिए फिजिकल, और साथ ही इसके फिजिकल में पास होने के बाद में आपको एक एग्जाम देना होगा जो कि रिटर्न एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी और 25-25 के चार सेगमेंट होंगे जिनमें 100 नंबर का ये पेपर होगा जिसमें 60% आपको नंबर लाने जरूरी है। उसके बाद आपका होगा मेडिकल। मेडिकल के अंदर आपको काफी चीजें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। अभी एक किसी को भी आ जा भाई, धाकड़ हैं हेमंत धाकड़, जिन्होंने अभी पास किया है नेवी एसएसआर का फेज वन और फेज टू की अभी तैयारी कर रहे हैं। तो इनके लिए अभी जैसे फिजिकल हमने चेक कर लिया, अभी मेडिकल है। तो पहले फिजिकल होगा, उसके बाद रिटर्न होगा, रिटर्न पास करने के बाद मेडिकल होगा। तो मेडिकल के अंदर आप अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं देखता हूं। एक बार शूज उतार दो, शूज उतार दो, सॉक्स भी उतार दो। तो आपके सामने मैं अभी इनका मेडिकल करूंगा और मेडिकल के काफी पॉइंट्स होंगे जो कि टाइम समय समय पे, और साथ ही मैं वन बाय वन करके आपको पॉइंट्स बताऊंगा। तो सावधान, सामने देखो। ओके, आप देख सकते हैं स्टार्ट हम नीचे से करेंगे और सबसे पहले इन दोनों को ऐसे टच करो, सामने करो। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सामने, नीचे नीचे नहीं देखना, सामने देख रहे हो आप, ये नौकनीज है। तो नौकनीज इनके नहीं है, इनको वी शेप बनाओ, इनको खोलो, ऐसे करो, ऐसे करो, टाइट करो। सामने देखो, सामने देखो, आप मत देखो। ये देख सकते हैं हल्का सा इनके नॉकनिंग की समस्या है, हल्की सी, ठीक है। ओके, इसी के बाद थोड़ा सा ऐसे गैप करो। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो गैप है, फ्लैट फुट ठीक है इनका नहीं है। इसी के साथ में हाथ दो, ये इनके एल्बो का जो कैरिंग एंगल है वो प्रॉपर बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फिट है। इसी के साथ में आपका दूसरा दांत, ओके, ऐसे चार उंगली डालो, ओके ठीक है, ऐसे करो, ठीक है। इनका जो दांत है वो बिल्कुल ठीक है, फिट है। इसी के साथ में यहाँ पर नाक की जो हड्डी है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ में कान वगैरह की है, तो कान के लिए भी चेकअप कराना चाहिए। और कान जब आप मेडिकल के लिए जा रहे हो तो आपको कान साफ करवाने चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर से साफ करवाने चाहिए ताकि वहाँ मेडिकल पॉइंट ना मिले। इसी के साथ में और भी पॉइंट्स हैं जो कि हम आँखों के हैं, और भी चेस्ट वगैरह है, चेस्ट मेजरमेंट है। तो चेस्ट मुझे देखकर इनका प्रॉपर सही लग रहा है, तो हम हमारी एकेडमी में ऑफिस में प्रॉपर मेडिकल टेस्ट भी करते हैं, तो ताकि आपका आगे जाकर के कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपका कोई पॉइंट है जैसे इनका नॉकनीज पॉइंट है, तो नॉकनीज के लिए अभी हल्का सा है इनके, तो थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, तकरीबन 10-15 दिन एक्सरसाइज करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। मेरे इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने बना करके डाले हुए हैं वीडियोज जिसके अंदर कि आप नॉकनीज कैसे ठीक कर सकते हो, फ्लैट फुट कैसे ठीक कर सकते हो, और भी चीज़ें हैं सारी जो कि ठीक कैसे कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो इसी भर्ती के अंदर वर्दी, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आ सकते हो। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर। चलो खड़े।